राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को झरिया के जियलगोड़ा और गोड़ा में सभा की। उन्होंने कहा, झारखंड पूरे देश का खजाना भरता है, लेकिन राज्य की मौजूदा सरकार ने पूरे राज्य को लूटकर सिर्फ अपना खजाना भरा। झामुमो कांग्रेस और राजद का तीन तिगाड़ा राज्य का हर काम बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। लंबे संघर्ष के बाद अटल जी ने झारखंड को राज्य बनाया और नरेंद्र मोदी ने इसे संवारा। इस बीच आई इंडी गठबंधन की सरकार ने पूरे राज्य को लूटना शुरू कर दिया। कोयला और बालू अवैध रूप से बेचने लगे, पहाड़ गायब होते चले गए। यहाँ के विधायक, सांसद और राज्य सरकार के मंत्री सब मिलकर लूट रहे हैं। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री ने तो सेना को भी नहीं छोड़ा। आज बहुत ही शर्मिंदगी की स्थिति है कि भ्रष्टाचार में लिप्त यहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री और आईएएस अधिकारी जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि भाजपा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन कहता है कि नेता का नाम बाद में बताएंगे। इसमें शामिल दल कह रहे हैं कि 6-6 महीने के लिए सभी दलों के प्रधानमंत्री होंगे। शिवराज ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से पाक अधिकृत कश्मीर हमारे देश से अलग हो गया था, हम उसे हर हाल में लेकर रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।